In this video, we are going to discuss over word problems based on rational numbers. कुछ word problems पर हम बात करेंगे जो कि rational number पर based होंगी. RS अग्रवाल की बुक से exercise 1G से मैंने आपके लिए कुछ problems ली हैं. आइए देखते हैं पहली problem क्या कहती है हमारी. Problem number first. From a rope of 11 meter long, two pieces of length, 2 hole and 3/5 meter and 3 hole and 3/10 meter are cut off. एक आपके पास कोई रोप है जिसकी लेंथ 11 मीटर है, एक रस्सी है जिसकी 11 मीटर लेंथ है, उसमें से टू पीसेस, एक की लेंथ ये है आपकी 2 होल एंड 3/5 मीटर और दूसरे की 3 होल एंड 3/10 मीटर, इतनी इतनी लेंथ के दो पीसेस इस पूरी रोप में से कट कर लिए गए हैं. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप? तो रिमेनिंग रोप की लेंथ कितनी होगी ये हमें बताना है. अब देखिए इसमें दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं. पहले में हम बात करेंगे फर्स्ट प्रोसेस पर. इसमें क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप इज एक्स. अगर हमने एक्स मान ली तो क्या होगा, जो ये दो पीसेस हमने कट किए और जो तीसरा जिसकी लेंथ हमने मानी, उन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 11. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दो रोप जो हमने पीस काट कर निकाले प्लस तीसरा की लेंथ जिसकी हमने मानी, ये तीनों का सम कितना होगा, 11 के इक्वल होगा. अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे और इधर ले जाकर इसको 11 में से माइनस कर देंगे, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और वही आपकी रिमेनिंग रोप की लेंथ होगी. और दूसरा आपको इस तरीके से कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपके लिए किया है. हमें मानने की जरूरत नहीं, हम नहीं मानते हैं और हमें पता है कि क्या करना है हमें. अगर हमें रिमेनिंग लेंथ ऑफ रोप चाहिए, द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप किसके इक्वल होगी, अगर आप टोटल लेंथ ऑफ रोप में से माइनस कर देंगे दोनों का सम, जैसे हमने पहले भी देखा दोनों का सम इधर जाकर माइनस होगा, तो इस बार हम क्या करेंगे, इन दोनों के सम को इसमें से माइनस कर देंगे. टोटल लेंथ ऑफ द रोप एंड माइनस लेंथ ऑफ द टू कट ऑफ पीसेस, जो टू हमने पीसेस कट किए उन दोनों की कंबाइंड लेंथ को टोटल लेंथ में से माइनस कर देंगे. तो इनकी वैल्यू रख लेते हैं, टोटल लेंथ ऑफ रोप है 11 एंड माइनस इन दोनों की, चूंकि टू पीसेस हैं दोनों को पहले हमें ऐड करना है तो हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर इन दोनों को ऐड करेंगे. और ऐड कैसे करते हैं ये हम पहले ही सीख चुके हैं. ऐड करने से पहले यहाँ पर आपके पास दो प्रोसीजर होते हैं, आप इन होल नंबर्स को ऐड कर लें अलग और इन जो ये आपके फ्रैक्शनल पार्ट है इनको अलग ऐड कर लें. और दूसरा तरीका होता है कि आप इनको मिक्स्ड से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करें और बाद में आप एडिशन का प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं. तो मैं वही करूँगा, मैंने इनको पहले सिंपल में चेंज किया, 5 2 10 एंड 3 13/5 हो गया और 10 3 30 एंड 3 33/10 हो गया. सिंपल में हमने चेंज कर लिया. अब सिंपल हमारे पास दो रेशनल नंबर है जिनको ऐड करना है, डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, एलसीएम लेकर हम ऐड करेंगे. ये हम शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 10, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा तो 2 की मल्टीप्लाई होगी 13 से और 33 आपका ऐसे रहेगा, 10 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे 10 को तो 1 जाएगा तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी. सिंप्लीफाई करेंगे 26 + 33/10 मिलेगा हमें यहाँ से. फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दो ऐड हो जाएंगे 59/10. ये 59/10 क्या है, इन दोनों पीसेस की कंबाइंड लेंथ. और ये 11 हमारी टोटल लेंथ थी रोप की, तो अब इसमें से इसको ईजिली हम माइनस कर देंगे. तो क्या करेंगे, फिर से यहाँ एलसीएम लेकर हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा. हमारे पास 11 के अपॉन में कुछ नहीं था तो 1 मानेंगे हम और दोनों का एलसीएम लेंगे 10, 1 से 10 को डिवाइड करेंगे 10 टाइम जाएगा इसीलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई होगी और इसको 1 से, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 10 ही था, एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा. सिंप्लीफाई करेंगे 110 माइनस 59/10 मिलेगा. अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, मिलेगा 51/10. अब अगर ये फर्दर मिक्स्ड में चेंज हो सकता है तो इसको मिक्स्ड में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 होल एंड 1/10. कैसे करते हैं मिक्स्ड में चेंज, आप डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, जो क्वाटेंट आपको मिलेगा वो आपका ये होल पार्ट हो जाता है और जो रिमाइंडर होता है आपका वो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर आपका डिवाइजर होता है. तो 5 होल एंड 1/10 विल बी द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप. सो द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप इज इक्वल टू 5 होल एंड 1/10 मीटर. इस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. एक इसी के जैसी एक आपकी एक्सरसाइज में थर्ड प्रॉब्लम है, उसको भी यहीं देख लेते हैं हम. क्या कहती है, अ बास्केट कंटेनिंग 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स वेइंग दिस इन ऑल. एक बास्केट है उसमें 3 तरह के फ्रूट्स रखे हैं, उसका टोटल वेट आपको दिया गया है. इसमें हमें एक रस्सी थी उसकी टोटल लेंथ दी गई थी, यहाँ पर एक फ्रूट बास्केट है उसका टोटल वेट हमें दिया है और उसमें जो फ्रूट्स हैं उनमें से 2 प्रकार के फ्रूट्स, एप्पल इतने हैं आपके 8 होल एंड 1/9 kg और ऑरेंज आपके 3 होल एंड 1/6 kg हैं. अब
पूछ रहा है एंड द रेस्ट आर पीयर्स, और बचे हुए क्या है, पीयर्स है। तो व्हाट इज द वेट ऑफ द पीयर्स इन द बास्केट, तो बास्केट में पीयर्स का वेट कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे हमने रिमेनिंग जो हमारी रोप थी उसकी लेंथ निकाली थी, वैसे ही हम रिमेनिंग फ्रूट्स का निकाल देंगे। कैसे, टोटल बास्केट में से इन दोनों को माइनस कर देंगे। आप क्या लिखेंगे, वेट ऑफ द पीयर्स इन द बास्केट इज इक्वल टू टोटल फ्रूट्स इन द बास्केट एंड माइनस वेट ऑफ एप्पल्स प्लस वेट ऑफ ऑरेंज, दोनों को ऐड करेंगे ब्रैकेट्स में, जैसे हमने अभी पीछे ऐड किया था, और हमें पीयर्स मिल जाएंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ओवर द सेकेंड क्वेश्चन।